पूरी दुनिया को मैं बनी। गाइस बाकी भाई छोटे ऊपर की तरफ बादल देखना जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जितने मेरे लोग गाने मंडल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने जोश में वीडियो शुरू किया कि हमजा भी भाग के आ गया। हमजा कैसे हो बेटा, सलाम करो। जा मुंह धो के जा भाग। तो गाइस आज सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे अबू का, लेकिन अबू है नहीं। अबू कहीं चले गए, बाइक लेकर चले गए। मुझे कहीं जाना था, पूरी फैमिली को सरप्राइज देना था, आप सबको भी सरप्राइज देना था, लेकिन वो प्रोग्राम जो ना आज के दिन मुझे लगता है कैंसिल होता लग रहा है। क्योंकि क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब्बा नहीं है, मुझे बाइक की जरूरत थी और बाइक पे ही मैंने कहीं जाना था। और पूरी फैमिली के लिए बिग 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 बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। लेकिन अगर अभी भी थोड़ा सा टाइम है, अगर अब्बा आ जाता तो फिर ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अब जब अब्बा ही नहीं होगा, मुझे बाइक पे जाना है, इन सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ले कर आना है। आप लोग गेस करिए वो क्या चीज़ होने वाली। तो जब तक मैं कोई अपने दूसरे काम निपटा लेता हूँ। जी नीचे देख लो, नहीं है अबू, अबू नहीं है, अबू नहीं है, नहीं है अबू, अबू नहीं है। तो गाइस अभी मैं नीचे जा रहा था कि मुझे अब्बा मिल गए। अब्बा ये क्या लेके आए हो? ये कार्ड है आपका। क्या शादी का कार्ड है? लगता वैसे ही है। इनविटेशन है रईस अकबर के नाम से, कोई पैसे होते अब्बा निकाल लेता पहले, खुद बताता कि ईद का या शादी का। चलो एक मिनट अब्बा इसको पकड़ो, देख लेते हैं अभी। अच्छा तो भाई साहब ये शादी की इनविटेशन आ चुकी है और ये द मोस्ट। अच्छा इसको छोड़ दे, कब की डेट कब है? अल मदीना हाउसिंग सोसाइटी कुरंगी रोड पर होगी, संडे वाले दिन होगी 21 तारीख को। रिसेप्शन में 8 बजे जाना है, डिनर 9 बजे होगा संडे। अच्छा है किसके? मारिया आसिफ, सलमान रफीक, सन ऑफ रफीक अहमद। अच्छा रफीक अहमद के बेटे की शादी है। चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जाने की। अभी अबा आप चाबी दोगे मुझे? आप फ़ोन क्यों उठा रहे अबा आज? अबा 3 घंटे से कर रहा हूँ, 3 घंटे से आप बाइक तो नहीं चला रहे थे? नहीं अबा बस सही है। अभी अबा जो जरा क्या बोलते ड्रामे कर रहे हैं। चलो खैर मैं अभी आगे जाता हूँ, मुझे आगे काम है वो लपेट लेता हूँ। तो गाइस घर से अभी मैं गया था शेलवालों के पास, क्योंकि मुझे डलाना था अपनी बाइक में न्यू ऑयल। तो इसलिए मैंने ऑयल डलाया अभी, क्योंकि काफ़ी देर से नहीं कह रहा था, अभी थोड़ा लग रहा था कि ऑयल ख़त्म हो गया इसका। अभी इसके बाद मैं जाऊंगा घर और आगे की रूटीन जो है आपके साथ शेयर करते हैं। बच्चे तो अभी तक भी ईद मना रहे हैं यहाँ पर मोहल्लों में। गाइस मुझे लगा था कि ईद जो ना ख़त्म हो गया, 2 दिन हो गए ना, 3rd दिन था, लेकिन हमारे मोहल्लों में अभी तक वैसे के वैसे ईद है जैसे हम लोग बचपन में गुजारा करते थे। और रोडों पर भी वैसा ही चल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ सीवीओ पर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मतलब जो सी वी ओ खाली खाली आपको दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग इफ्तारी वगैरह कहते हैं, इन दिनों में आपको वहाँ पर पाउंड रखने की जगह नहीं मिलती। क्योंकि पूरा कराची जो ना इसी साइड पर जो ना क्या बोलते हैं रुख करते हैं समंदर की तरफ। तो यहाँ से हमें 2 मिनट लगेंगे जाते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो ना वहाँ पर क्या सीन है। मतलब अभी जो 3rd दिन है ना, फिर भी आपको वहाँ पर जो ना जाने की घुसने की जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि जो लोग कराची तो बहुत बड़ा है ना, ये नहीं कि सिर्फ कराची जहाँ पर हर किसी को समंदर लग रहा है। सीवीओ सिर्फ हम लोगों को लगता है, या फिर वो जो पीछे है ना जो मतलब कैंट के पीछे ये मलीर कुरंगी ये सारे, तो वो लोग फिर इन दिनों में इस तरफ कर रुख करते हैं कि भाई आज चलो समंदर की तरफ चलते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश बन जाता है और फेस एड की तरफ रश होता है, दो तरफ होता है। तो खैर अभी मैं चलता हूँ और फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो सारा भरा हुआ भाई, उस साइड जा ही नहीं सकते। तो सीवीओ मतलब ईद वाला दिन, मतलब सीवीओ दिन होता है, ईद हो 14 अगस्त मतलब आज़ादी का दिन हो, अच्छा और क्या हो, मतलब कोई भी बड़ा दिन हो ना सीवीओ ही भरा होता है। सभी लोग सीवीओ करते हैं, क्योंकि ये सब तो बहुत ज़्यादा। देख रहे हो आप उस तरफ, देखो इस साइड में काम में कभी यहाँ से जा रहे हैं, उस साइड में समंदर है। तो और यहाँ से मोबाइल भी छीन लेते, मोबाइल बंद कर देता। अबे भाई देखो पुलिस वाले भी बेना, ओए 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 ये देखो बाइक को डायरेक्ट पार पार किया जा रहा है। और ये बसें वगैरह सारे सिर्फ जो ना समंदर देखने के लिए आए। अबे भाई यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, मैं तो 2 दरिया की तरफ था यार, यहाँ पर थोड़ा ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। तो गाइस अभी मैं आ गया था दीवार की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, मतलब 2 दरिया की तरफ ही लगती है, दीवार लगती है। मुझे लगा ये जगह खाली होगी, लेकिन ये भी भरी हुई पड़ी है भाई पूरी। हालांकि यहाँ पर तो सिर्फ कुत्ते होते हैं आम दिनों में। तो
गाइस दो दरिया पे देखें ये कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है। ओ भाई साहब बहुत जबरदस्त है, इधर बादल इतना मौसम ठंडी फुल हवा और नीचे की तरफ बंदे और और मैं पता कहाँ पर बैठा हूँ बात नहीं की क्योंकि मुझे पता ना कि आवाज़ नहीं आएगी, सारी हवा है ना यहाँ पर इस वजह से माइक जो है। गाइस बाकी बात छोड़ दे, ऊपर की तरफ बादल देखे ना जो मजा आ रहा है ना, ओ वाओ, और ठंडी फुल ठंडी हवा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि मैंने थाटी बजा रहे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन बहुत ठंडी हवा है माशाल्लाह से। और अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से कुछ इस तरह से आ रहा है, देख रहे हैं मतलब ये मैं सी व्यू पे नहीं गया, सी व्यू वो पीछे ही रह गया, वो मतलब है तो सारा सी व्यू रहते मतलब वो देख रहे उस तरफ कितने बंदे, ये देखो हमें डूब घूमना चाहिए तो खैर मतलब वहां पे तो बहुत ज्यादा बंदे हैं तो इसलिए मैं इस साइड पर आ गया, इस साइड पे भी कोई नहीं होता, इस तरफ आगे की तरफ देखो कितने लोग पड़े, वो देखो तो पानी के अंदर पड़े हुए सारे भाई साहब, ये इमार बिल्डिंग है सामने की तरफ, तो यहाँ पर ये सीन बना है तो बहुत जबरदस्त सीन बना है, तो गए थे हम लोग जा रहे हैं पानी भरने जी, हाँ तो गए थे अभी हम पानी भर, क्या बोले थे हाँ, और कहते थे हमारे पास चैलेंज है कि भाई हम लोग जो ना दोनों जाएंगे और पानी भर के लाएंगे, मतलब दो के रोज मैं एक लगता हूँ टैंकी तरह क्या, पीछे हमजा पकड़ के बैठेगा, फर्स्ट टाइम ट्राई करें कि हमजा भी जितना होल्ड कर पाते कहीं, तो गए थे फिर मिले हमजा और फाजा से, फाजा सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, और अभी कहाँ जा रही हो, अभी एनिमेट का फेस्टिवल है, पैसे हैं दिए हैं, कौन से पैसे दिए, मुझे तो कोई पैसे नहीं दिए तुम्हारे मामा ने, नहीं तो झूठ नहीं बोला कर, अच्छा आ जाते हैं गाइस, इसने आज मेहंदी लगवाई है, पहले तो दिखा नहीं थी, अभी देखे माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है, इसकी मम्मा ने भी लगवाया, इसने भी लगवाए हैं, मेरी वाइफ ने भी लगवाया, सब खत्म फिर भी लगवाए, हाँ सही है भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर दादू, बंस रोड जाऊंगा भाई, इसको मटका फ्राइज खाने, ये देख लो अभी छोटे छोटे बच्चों के नखरे हैं हमें उठाने पड़ते हैं, अभी क्या करें, असल में ये दो तीन दिन से बोली थी, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन जो ना आज जो ना इसने मुँह ही ऐसा बनाया था ना, ये देखो मुँह देखो इसका, बस वाले बंद कर, चलो तो भाई इसको आज जो ना मटका फ्राइज खिलाऊंगा कि ऐसे खिलाऊंगा कि ना आज के बाद का दिल ही नहीं करे, उसको बोलूंगा इतनी मच्छी डाल इसके अंदर ना कि बच्चों का खाने का दिल ही नहीं करे आज के बाद, हमजा को चूहा ले गए, अबे यार इनको लेके ही जा रहा था कि टायर जो ना पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया भाई साहब, अबे भाई साहब चलो शुक्र है घर के पास ही थे हम लोग, जरा दूर नहीं गए, इसको आज कितने दिनों के बाद हुआ, पता क्यों हुआ है, क्यों हुआ ये के साथ भी हुआ था ना उस दिन, हाँ चलो अच्छा रुको रुको चलो आगे चलो, अभी तुम लोग पहले चलो मैं इनको घर छोड़ता हूँ गैस, फिर जो है ना बाइक का पंचर लगाता हूँ, तो गैस यार हमारा प्रोग्राम तो बढ़ गया, अभी मैं गया हूँ इसके अंदर एक पंचर था वही लगवा के आया हूँ, और उसने अपने टायर चेक भी किया होगा मेरे ख्याल से, तो बस अभी जो ना घर पर आया हूँ, मतलब आधा पौना घंटा लग गया पंचर लगवाने लगाते क्या यार, तो भाई किस्मत शायद यही बेहतर होगा हमारे लिए, ना जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि पंचर जब होता है ना कभी कभी आपके हक में होता है और कभी कभी आपके हक में नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हक में होता है, तो इसलिए अभी हम लोग घर पे बैठ जाते हैं सुकून से, और गैस मीर से तो आप सारा दिन मिले ही नहीं होंगे क्योंकि मीर जो ना पूरा दिन सो रहा था, अभी उठा है मीर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरू, ए बोलो थैंक यू, थैंक यू बोलो मीर, थैंक यू बोलो, ए मीर बोलो थैंक यू, सलाम करो, माशाल्लाह भाई मीर तो अच्छा बेबी है भाई, मीर आप अच्छे बेबी हो जी, बोलो जी, और भी आज मेरी वाइफ वालों ने भी जो ना ये देखें आज जो ना इन लोगों ने मेहंदी लगाई है घर पे बुलाकर, घर पे लगवाई उन्होंने,
और मीर की बर्थडे शायद हम लोग थोड़ा लेट करें, क्योंकि इसकी जैसे तबीयत ठीक होगी ना फिर हम लोग करेंगे। कैसे मीर जी? हाँ बोले जी, यस कह रहे हैं। बोले जी जी जी, जी। चलो बस सो आ, बस सो गया। गुस्सा नहीं। और गैस अभी मिली दुआ से, और दुआ ने भी आज आपको पता है मेहंदी लगवाई है। दुआ मेहंदी दिखाओ, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, वाह। ये पिंक मेहंदी किसने लगाई है? पिंक लग है। अच्छा मीर आपने भी लगवाई थी, इधर दिखाओ। जी जी एक मसला है फादर के ऊपर और मेरे ऊपर। क्या मसला है भाई? हमें चार्ज लगाने दो मोबाइल। हाँ हम चार्ज है दो। हाँ और जिस पर लगती है ना वो चार्ज है एक, सही है? हाँ और ना मसला जो है कि एक बड़ी चार्ज ही एक मोबाइल पर लगती है, दूसरी नहीं लगती। अबे तो कहना क्या चाहते हो? आइडिया अबू की चार्ज और वो वाली चार्ज एक ही है। तो फिर मुझे क्यों सुना रहे थे मसला? मीर बोलो आइडिया, आइडिया बोलो, आइडिया। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय कर। तो भाई साहब दद्दा ने हालांकि मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपने पहले मेहंदी कही, बोलिए मैंने नहीं दिखाई, दिखाओ। मैं बताऊँ कितनी मेहंदी है? ऐसे जैसे ऐसे करती थे तो ऐसे करो, चल दे तू वैसे कर, दोनों दोनों हाथ से करो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छी लगी। जी तो आज का व्लॉग हम यही पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और की जो आपको साथ शेयर किए थे, और गए जो मैंने प्लान किया था ना उस हिसाब से बिल्कुल व्लॉग भी नहीं बना और बिल्कुल बेतुका सा बना है। मतलब कि मैं असल में जब इंसान कुछ सोच के रखते ना कि आज मैंने सरप्राइज देना है, मैंने एक अच्छे से ये शूट करना है, वो शूट करना है, यम 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 यम, तो मतलब उसमें से कुछ भी ना हो ना तो फिर वो ऐसे ही होता है कि जहाँ पे दिल किया वहाँ पे शूट कर लिया। तो खैर जो मतलब मुनासिब लगा था वो फिर मैंने शूट कर लिया, क्योंकि दिमाग कहीं और था, बनाना कुछ और था। तो मतलब बातें ऐसे हैं, मतलब कुछ और करने के चक्कर में थे, हो कुछ हो गया। तो खैर जो हुआ है अच्छा हुआ है। और क्या बोलते हैं भाई, आज की हाईलाइट क्या थी? आज की हाईलाइट ये थी कि भाई कितने दिनों के बाद नानी से वीडियो कॉल पर बात हुई है, और ईद के दिन थे ना, तो ईद की हमारी बात नहीं हुई, तो खैर आज बात हुई है। नानी ईद मुबारक भी दे रही थी, फिर चाचा से भी बात हुई, फिर चाचा से भी वो हुई, तो मैंने उनसे कहा भी कब आ रहे हैं, और उन्होंने बोला चाचा को बोलो रिक्वेस्ट करो, तो फिर चाचा से मैंने रिक्वेस्ट किया चाचा इनको भेज दें, तो चाचा ने मुस्कुरा के बोला इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाकी देखो अभी कब आएंगे। तो बस अभी क्या बोल सकते हैं, खैर जो है अच्छा है। और इसी के साथ गाइस वीडियो एंड करते हैं। कल जो ना कल का आज बारिश बनी हुई, अगर बारिश नहीं हुई ना तो कल जो मैंने सोचा हुआ है ना, कल मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ऐसा सरप्राइज़ होगा ना कि आप लोग मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं क्या देने वाला हूँ सरप्राइज़, या आप लोग सोचें कि मैं क्या देने वाला हूँ। एक बड़ा सरप्राइज़ है, चलिए आप लोग सोचिए। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे कोई भी सोच सकता है जहाँ पर मेरी सोच हो रही, मतलब जहाँ पर आप लोगों की सोच ख़त्म होती है ना वहाँ पर मेरी सोच शुरू हो रही है, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी चले फिर भी आप लोग अपना कोई अंदाज़ा तुक्का जो भी है लगा लीजिएगा कि क्या होने वाला है। तो जो होने वाला है वो तो कल ही पता चलेगा, अगर के कल बारिश ना हुई तो। अभी क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी देखा कराची में ना फुल बादल बने हुए हैं, और जो ना हब्स हो गई है, मतलब सांस बड़ी मुश्किल से आ रही है, और पंखे भी नहीं सही से नहीं काम कर रहे क्योंकि हब्स हो गई है इस वजह से। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।